नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अंकित गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। आज के वीडियो में चैप्टर 6 आप क्लच के अनुप्रयोग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिन्हें MCQ क्वेश्चन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए इनको हम देखते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना दोस्तों, क्योंकि कुछ जरूरी बातें छूट जाती हैं। पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगी, जबकि त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें कुछ नहीं करना, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर, और इसका अपकलच कर दिया। अपकलच किया तो 2 आ गया, जाएगा 2 पाई आर हो गया। डी अपॉन डी आर बराबर आर का मान हमें दिया ही है 6 सेंटीमीटर, तो 6 धर दिया तो क्या हो जाएगा, 6 × 12 यानी 12 पाई, ये हमारा आंसर हो गया। अगला है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन एफ बाय बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के एक्स वर्धमान है। तो इसमें कुछ नहीं है, क्या किया, ये हमने ऐसा कैसे लिख दिया और इसका अपकलच कर दिया, 2 आगे ये ई ऐसा कैसा हो, इसका अपकलच करने के बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.2। तो ये हमारा आंसर आ गया, जहाँ पे आपको 0.2 देखे उस पर आप टिक कर देना पेपर में। इसको आप समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस अब क्लच कर दिया, ये आप क्लच करके इसको सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या है, देखो ये मैंने अच्छा कैसे लिख लिया, y बराबर x प्लस 1 और y स्क्वायर बराबर 4x, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब क्या क्या किया, किया हमने समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में धर दिया, ये समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में धर दिया, और ये 4x ऐसा कैसा, इसको हमने होल स्क्वायर खोला और फिर हमने क्या किया, 4x को इस तरफ ले गए, बराबर 0 रख दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या आ गया, x बराबर 1। तब हमने क्या किया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया, समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, y स्क्वायर बराबर 4x, ये हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया, y स्क्वायर बराबर 4x, 4 इंटू x का मान क्या 1, तो 4 बन जब 1। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, y बराबर प्लस माइनस के 2 आ गए, तो y बराबर 2 और x बराबर 1 थे, तो हमारा बिंदु क्या हो गया, अतः स्पर्श बिंदु 1.2, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर वक्र y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x की x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता है। तो हमें क्या निकालना है, अभिलंब की प्रवणता, कुछ नहीं करना, ये हमने ऐसा कैसा क्वेश्चन लिख लिया, बराबर x बराबर 0, हम क्या करेंगे, ढाल बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता का सूत्र लगाएंगे, m1 इंटू m2 बराबर माइनस के 1। तो देखिए ये हमने ऐसा कैसे क्वेश्चन लिख दिया, इसका हम कर देंगे अपकलन, अपकलन करा तो 2 इस तरफ आएगी घात, तो 2×2 = 4x और प्लस के 3 cos x। तो देखिए अब क्या किया हमने, हमें क्या निकालना है, x बराबर 0 पर निकालना है, तो dy/dx x बराबर 0 पर निकालेंगे, तो x की जहाँ पर 0 रख देंगे, 4 इंटू x की जहाँ पर 0 रख दिया, 3 cos x की जहाँ पर 0 डाल दिया, तो क्या गया, 0 + 3 = 3, ये क्या हो गया, m1 = 3। अब हम क्या करेंगे, माना अभिलंब की प्रवणता m2 है, तब तो देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें m2 निकालेंगे, तो m2 कैसे निकालेंगे, m1 × m2 = -1, तो m2 - 1/m1, तो m2 - 1/3, m1 का मान क्या है, 3, तो 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि fx = 3x² + 15x + 5 हो, तब f 3.02 का सन्निकट मान होगा, तो हमें क्या निकालना है, सन्निकट मान। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, ये मैंने ऐसा कैसे क्वेश्चन से लिख दिया, ये भी क्वेश्चन से लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें x और डेल्टा x मानते हैं, तो ये 3 को हम x मान लेंगे और 0.02 को डेल्टा x मान लेंगे, ये हमने मान लिया x बराबर 3 और डेल्टा x बराबर 0.02, ये सूत्र है, इस सूत्र में हमें इसके मानों को रख देंगे, तो इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने इस सूत्र में मान रख दिया 3x² + 15x + 5, और ये डेल्टा एक्स इसको हमने सॉल्व कर लिया, कैसे सॉल्व किया, अपकलन करके, ये 3 का 2 का 3 में, और 3×2 = 6, ये 6 ऐसा कैसा, ये एक्स और ये 15 ऐसा कैसा, और ये 3 0 हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स, इसको हमने सॉल्व किया, अंदर एक्स का मान रख दिया हमने, एक्स का मान ही हमने 3 निकाला था, और डेल्टा एक्स का मान 0.02, जी यहाँ पे 0.02 रख दिया, इसको सॉल्व करते गए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 77 + 0.06,
सॉरी 0.66, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या जाएगा 77.66। तो अतः F3.02 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा 77.66। ये हमारा आंसर आ गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। x(-1+1)² है, ये 1/3 का महत्तम मान जहाँ 0 छोटा है, x छोटा है, बराबर है 1 के। तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया, ये तो हमने ऐसे कैसे क्वेश्चन से लिख लिया। अब इसका देखो, इसका हमको अवकलन करना है, इसका हमने अवकलन कर दिया तो ये 1/3 आगे आ गए और ये x²-x+1। और इसका यहाँ पे अवकलन में क्या होता है, घात आगे आ जाती है और ऊपर से एक माइनस हो जाता है और ये 2x-1। तो इनको हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया, ये 1। तो ये एक्स का मान 0 रख के देखा हमने पहले, एक्स का मान 1 रख के देखा और एक्स का मान 1/2 रख के देखा। तो आप इनको आपने ये वाले क्वेश्चन तो करे ही होंगे, आपको ये वाला समझ में आ ही गया होगा। तो इसका आंसर ये 1 हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्स की सभी वास्तविक मानों के लिए 1-x+x²/1+x+x² का निम्नतम मान होगा, हमें क्या निकालना है, निम्नतम मान। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, ये हमने ऐसा क्वेश्चन से उतार लिया ऐसा कैसा। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ये हमने लॉग ले लिया दोनों पक्ष, यानी ये बाय वाला इस तरफ का और इस तरफ का दोनों में लॉग लेना है। लॉग बाय हो गया, ये ऐसा कैसा, बस लॉग लगा दिया और बाय, ये ऐसा कैसा, और इस तरफ लॉग लगाया तो क्या हो जाएगा, ये लॉग लगा दिया। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये ऊपर का अलग हो गया है ये प्लस वाला और नीचे का माइनस वाला इस तरफ अलग हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह हो गया। इसके सापेक्ष अवकलन कर दिया, ये अवकलन कर दिया, अवकलन करना तो आपको पता ही होगा, अवकलन कर दिया। फिर यहाँ पर ये एलसीएम विधि से इसको सॉल्व कर दिया, को सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, न्यूनतम मानों के लिए dy/dx = 0 होगा। तो हमने ये 0 आ गया, तो इसके बाद हमें क्या आ गया, x का मान आ गया x±1। अब क्या करेंगे, x यदि x=1 हो, इसमें x=1 मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। और क्या हो, यदि x=-1 हो, तो ये अब -1 रख के देखा तो हमारे पास क्या आ गया, 3। तो हमें क्या निकालना है, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कौन सा होगा, 1/3। अब आप इसमें दोनों में देखो, इसमें 1/3 में और इस 3 में, इन दोनों में देखो न्यूनतम मान कौन सा होगा, यही होगा ना 1/3, क्योंकि ये छोटा है, ये 1/3 में है और ये 3 बड़ा होगा इससे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/3। तो 1/3 कब आया, जब x का मान हमने +1 रखा। हमारे पास क्या आया था, x का मान +-1, ये हमने इसमें मान रखे तो हमारा x का मान आया था +-1। तो हमने एक बार प्लस माइनस के आए तो एक बार प्लस में मान रख के देखिए और एक बार माइनस में, तो हमारा आंसर आ गया प्लस वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा x=1। क्या आंसर हो जाएगा, x=1। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। वक्र x²/2y पर 0.05 से न्यूनतम दूरी पर स्थित है, तो इसमें दूरी का सूत्र लगा देंगे, कुछ नहीं है, x का मान क्या दिया 0, y का मान 5, दूरी का सूत्र लगा दिया x1-x2² + y2² ये दूरी के मान लगा सूत्र लगा दिया, इसमें इसके मान रख दिए और यहाँ पे x, फिर हमने क्या किया, x² जहाँ पे होता है x²/2y, हमें प्रश्न में दिया है, ये दिया x²/2y, यहाँ पे x² है वहाँ पर 2y लिख दिए और इसको हम सॉल्व कर दिए, f(y) - f'(y) फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया तो क्या गया 2y = 8। फिर इसको सॉल्व किया, y = 4 आ गया जो कि धनात्मक है। तो हम फिर क्या निकालेंगे, f'y जो कि 2 से छोटा है 0, ये भी धनात्मक आया न्यूनतम। तो हम क्या करेंगे, अब x²/2y क्या दिया, x²/2y, तो यहाँ पे 2y का मान रख देंगे, x²/2 × y का मान क्या आया था 4, ये हमारे पास 4 आया था, 2 × 2 क्या हो जाएगा 8। तो इसका हम होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा तो 8 में से क्या जाएगा 2√2 और कॉमा माइनस के 2√2। जब होल स्क्वायर चढ़ता है, रूट चढ़ता है तो क्या हो जाता है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का आता है, एक बार प्लस का आ गया ये एक बार माइनस का। तो हमारे पास क्या लेंगे, हम माइनस लेता नहीं है, हमें ऋणात्मक चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए धनात्मक। तो हमें हमारा क्या आ जाएगा 2√2 और y का मान क्या आ जाएगा 4, ये 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। x²(t²+3t-8, y)(2t²-2t-1
कि बिंदु 2, -1 के बन पर स्पर्श रेखा की प्रमणता होगी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया इस पर ऐसा कैसा। अब क्या करेंगे, हम टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन क्यों किया, क्योंकि एक्स का मान टी की फॉर्म में दिया है, इसलिए हम टी का सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोस्तों वीडियो में कुछ जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो बता देना, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने सॉल्व किया, 2 आगे आ गया और टी प्लस के 3 और ये 0 हो गया। तो अगला क्या है, बाय बराबर ये दिया है, इसको हमने सॉल्व किया टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आ गया 4t-2। इसको नंबर समीकरण नंबर 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 में भाग दे दिया दोनों का, तो ये भाग दिया तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें प्रश्न में दिया था 2, -1, ये 2, -1 इनमें से सबसे छोटा मान कौन है, -1, तो इसके सापेक्ष हम इसको मान लेंगे, यानी बाय बराबर 2t²-2t-1 बराबर ये -1, यानी इस सबको बराबर के -1 के बराबर मान लेंगे। तो क्या करेंगे हम, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 इस तरफ आया तो 5 में से ये प्लस का हो गया, इस तरफ आया तो -5 में से प्लस के बन गए तो 4 बचे, इस तरफ 0, इसको हमने सॉल्व किया, 2 को कॉमन ले लिया और इसको हम सॉल्व करते गए तो हमारे पास टी के 2 मान आए, टी बराबर 2, -t=1। तो हम क्या करेंगे, इसमें टी के मान रख देंगे, टी के मान धरेंगे तो हमारा का आंसर आ जाएगा 6/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ना आए तो बता देंगे। ये वाले क्वेश्चन कुछ वैसे ही हैं, समझाने टाइप के नहीं है, इसलिए मैं इनके आंसर अकेले लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 10, रेखा बाय बराबर mx+1, वक्र बाय स्क्वायर बराबर 4x की एक रेखा है, यदि m का मान है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला है, वास्तविक रेखा में फलन fx=2x+cos(x) है, तो इसका मान हो जाएगा ह्रासमान। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा फलन अंतराल 0, π/2 में ह्रासमान है, तो इसका आंसर आ जाएगा cos(x)। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, x के सभी मानों के लिए फलन fx=x+sin(x) है, तो इसका मान आ जाएगा ह्रासमान। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, वक्र 3y=6x-5xq पर स्थित उस बिंदु का भुज जिस पर वक्र का अभिलंब मूल से होकर जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला, यदि वक्र ay+x²=7 तथा x³ / y बिंदु 1, 1 पर लंबवत काटते हैं, तो ये का मान हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रेखा x+3y=4 के समांतर वक्र 3x²-y²8 के अविलंब का समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा x+3y-8=0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु 0, 0 पर वक्र y=x^(1/5) / 1 की उर्वधार, तो इसका आंसर है एक उर्वधार स्पर्शी रेखा। क्वेश्चन नंबर 18, दो वक्र x²-3x²+2=0, तो इसका आंसर हो जाए समकोण पर काटते हैं, इन दोनों का आप देख ही लो। क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण x = et cos y = et, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा π/2। क्वेश्चन नंबर 20, वक्र y=sin(x) के बिंदु 0, 0 पर अभिलंब का समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा x+y = 0। तो दोस्तों ये मुझको थोड़ा समय नहीं था।